इतिहास रचा। पाकिस्तान को हमेशा सबसे तेज गेंदबाज पैदा करने वाले देश के तौर पर गिना जाता है। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान से ही आए हैं, लेकिन बाबर आजम ने जब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है वो लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। बाबर आजम की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत ही उनकी तुलना भारतीय कप्तान विराट कोहली से की जाती है। बाबर आजम पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब प्रांत से आते हैं और लाहौर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट खेल चुके अदनान अकमल, कामरान अकमल और उमर अकमल मौजूदा कप्तान बाबर आजम के कजिन हैं। ऐसे में बाबर आजम के खानदान में क्रिकेट पहले से ही है और उनके घर के लोग पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं। 15 अक्टूबर 1994 को एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए बाबर आजम की शुरुआती पढ़ाई लाहौर में हुई। करीब 13 साल की उम्र में वो पाकिस्तान के मशहूर गद्दाफी स्टेडियम में आने लगे, जहां शुरुआत में वो एक बॉल बॉय की तरह ही जुड़े रहे। उसके बाद बाबर आजम ने क्रिकेट अकादमी ज्वाइन की और छोटे लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। बाबर आजम के शुरुआती कोच राणा सादिक थे। उनसे सीखने के कुछ वक्त बाद ही बाबर आजम पाकिस्तान के अंडर 19 कैंप से जुड़ गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 16 साल की उम्र में बाबर आजम ने घरेलू क्रिकेट में खेलना शुरू कर दिया। साल 2015 में 21 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था। बाबर आजम की तुलना इस वक्त विराट कोहली से की जाती है। पिछले एक दशक से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली का सिक्का चल रहा है, हर रिकॉर्ड उनके नाम है, लेकिन पिछले 3-4 साल में बाबर आजम ने अपना नाम बनाया है और लगातार सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रहे हैं। वन डे T20 में सबसे तेज रन बनाने के मामले में अब बाबर आजम का नाम भी है। बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान ने वो किया जो कभी नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत को हराया है। 2007 से लेकर 2016 तक T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच कुल 5 मैच हुए, पांचों में भारत की जीत हुई। इसके अलावा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 7 मैच हुए और हर किसी में भारत की जीत हुई। लेकिन अब 2021 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई में जब ये जीत हुई तब बाबर आजम के पिता भी वहां मौजूद थे और इस जीत से तो दोस्तों ऑन स्क्रीन आप देख रहे थे गाइस विक्रांत माफ कीजिएगा इंडियन मीडिया का रिएक्शन ऑन बाबर आजम के ऊपर गाइस। तो ऐसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहता हूँ गाइस, आपको क्या करना है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है गाइस उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वंस अगेन आपको बता दूँ इंडियन मीडिया का रिएक्शन ऑन बाबर आजम के ऊपर आप देख रहे थे। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।